मिठाई का डब्बा लाया था। मेरी बड़ी बेटी की जॉब हो गई है और छोटी बेटी का भी मेडिकल में एडमिशन हो गया है। मैं उनकी शादियां नहीं कर रहा, उन्हें तालीम दिलवा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फखर और हमारा सहारा हमारी बेटियां ही हैं। यार बातें तुम बहुत समझदारी की करती हो। तुम्ही ने कहा था ना कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो हमारा फर्ज, जिम्मेदारी, इज्जत और गरूर होती है। बेटियों को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करना उनके साथ ज्यादती है और गुनाह भी। और फिर हमें अल्लाह को भी तो जवाब देना है, यही कहा था ना तुमने। ये लीजिए, ये मिठाई रखिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें अल्लाह के सामने शर्मिंदा और गुनहगार होने से बचा लिया। अब तुम्हारी मर्जी है, जानते बूझते हुए बेटी की जबरदस्ती शादी करो और खूब गुनाह कमाओ, हमें कोई इतराज नहीं है। आओ। अनजाने में कोई गलती हो जाए ना मैडम, उसकी माफी की गुंजाइश है। लेकिन जानते बूझते हुए मेरी मां ने भी मुझे तालीम दिलवाई, कुरान मैंने तर्जुमे से पढ़ा, सब जानते बूझते हुए भी मैंने अपनी बेटी और बेटे में फर्क रखा। हमने अल्लाह की रहमत को ज़हमत समझा। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। यूं मदद करते हुए ऐलान तो ना।